कायथा थाना अंतर्गत ग्राम बोर्दा में घर के बाहर खेल रहे अंबाराम डांगर के दो नातिनों को तेज गति से आ रहे बुलेट चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते समय टक्कर मार दी। वहीं घायल बच्चे को इलाज के दौरान उज्जैन ले जाते समय 6 वर्षीय यशपाल की मौत हो गई। वहीं 8 वर्षीय बालक प्रतीक का गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। वहीं कायथा थाना प्रभारी प्रदीप राजपूत की काफी मशक्कत के बाद बुलेट वाहन को पकड़ लिया गया। वहीं बुलेट चालक मौके से फरार हो गया था। गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव किया तो वहीं थाने में पदस्थ एसआई हुकुम सिंह सोलंकी धक्का देते नजर आए। इतना करने के बावजूद अपनी हरकत से बास नहीं आए। वहीं कवरेज कर रहे पत्रकार नूतन गिरी गोस्वामी के साथ कैमरा बंद करने एवं कैमरा छीनने की कोशिश की गई। थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटनाक्रम में ऐसी कोई घटना घटित न होने की बात कही। वहीं पत्रकार नूतन गिरी गोस्वामी द्वारा एसपी से शिकायत कर उचित कार्यवाही की मांग की गई। ये चार नहीं लगभग 5:30 बजे की घटना होगी लगभग जी। तो DIG साहब आ रहे थे, हम लोग उस टाइम बस स्टैंड पे थे, सूचना मिली थी तो हम वहाँ गए थे। एक कार्ड बड़ौदा का निवासी है जिद्दी बना जी, धर्मेंद्र सिंह नाम है उसका जी। वो जो है उसके वो अपनी गाड़ी से उसने ग्राम बोर्दा में धीरज दनगा के जो भांजे थे रितेश और यशपाल 6 साल और 8 साल उम्र है उनकी, उनको एक्सीडेंट कर दिया था। तो एक जो बच्चा है वो शांत हो गया है और एक बच्चे की स्थिति जो है क्रिटिकल है, उसका इलाज चल रहा है पाटीदार हॉस्पिटल में। तो उसको लेके जो है लोगों में आक्रोश था क्योंकि घटना बहुत ही हृदय विदारक थी और लोगों का जो गुस्सा था वो स्वाभाविक था। कल सर देर रात्रि में थाने का घेराव भी किया गया और कुछ यहाँ पे जो थाने में पदस्थ SI हुकुम सिंह सोलंकी है उनने द्वारा कुछ पत्रकार कवरेज करने से मना भी किया है। नहीं, और चिन्हित सर वो भी है, चिन्हित पत्रकार के साथ मना, मेरे को भी बोला गया उनने कि सिर्फ आप नहीं करेंगे। ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। सभी पत्रकार लोग थे, मतलब कुल मिला के शायद 7-8 पत्रकार लोग थे जी। तो ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हो हल्ला हो रहा था, हो सकता है बाई चांस जाने अनजाने में कुछ हो गया हो, तो हो हल्ले में वो एक बात अलग है, तो ऐसी कोई घटना नहीं। कायथा से अर्पित बोढ़ाना की रिपोर्ट।